और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। उद्धव ठाकरे जाते जाते नाम बदलने का ऐलान कर गए थे, जिसमें उस्मानाबाद और औरंगाबाद का नाम शामिल था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के इस फैसले पर एकनाथ शिंदे ने रोक लगा दी है। जी हां, शिंदे सरकार ने इस फैसले पर अभी रोक लगा दी है और इस फैसले को फिर से सोच विचार कर एक नए प्रस्ताव के रूप में सामने रखा जाएगा। और जिस तरह से यहां पर औरंगाबाद का नाम बदलने का ऐलान जो है उद्धव ठाकरे ने किया था, और जो सपना लास्ट में उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का दिखाया था, वो एकनाथ शिंदे तोड़ते हुए नजर आ रहे। दरअसल इस प्रस्ताव पर कई सारे सवाल उठ रहे, क्योंकि जिस वक्त उद्धव सरकार ने ये फैसला लिया था, उस वक्त राज्यपाल को पहले ही चिट्ठी लिखी जा चुकी थी अपनी बहुमत साबित करने के लिए, और इस वजह से इस फैसले पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसे देखते हुए अब एकनाथ शिंदे ने इस फैसले पर रोक लगा दिया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने का ऐलान किया था और इस पर सहमति भी सभी लोगों की बन गई थी, लेकिन अब इस चीज को लेकर राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई है। देखा गया था कि जब उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में थी, तब उद्धव ठाकरे ने लास्ट मौके पर यह फैसला लिया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। दरअसल शिवसेना जो है हिंदुत्व के परचम को लेकर आगे बढ़ती है, और जिस तरह से इन जगहों के नाम बदले गए थे, उसके बाद शिवसेना अपने आप को एक हिंदूवादी छवि के रूप में स्थापित करना चाहती थी, लेकिन अब इस नाम को लेकर, इस ऐलान को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे। फिलहाल अब देखना यही है कि इस नाम के ऊपर जो बवाल एक बार फिर से हो रहा है, उसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।